हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बनाऊंगी एक नई रेसिपी। मैं हमेशा खाना सिंपल वे में बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स वाई मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी रेसिपी बनाऊँ और वो भी सिंपल में। तो आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट मावा से मोदक। और इंस्टेंट मावा कैसे बनते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको पता ही है कि गणेश पूजा में कितना इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर प्ले करता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। सो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए मिल्क पाउडर, रॉ मिल्क, घी, मैंने थोड़ा सा चॉप्ड काजू ले लिया है और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची मैं यूज़ करूँगी। सो मैंने ले लिया है बोल और एक एक करके मैं सारी चीज़ें पहले इसमें मिक्स करूँगी। तो ये रही मेरी मिल्क पाउडर और ये है मिल्क जिसको मैं इसमें ऐड करूँगी। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा इसको पहले एक बोल में अलग से सारे चीज़ें मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको पैन में ऐड कीजिएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हीट में देंगे तो ये किसी भी तरह से अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। जैसे कि ये मिल्क पाउडर से मावा बन रहा है, मैंने ऐड किया है 1.5 से 2 चम्मच घी, थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी कुटी हुई इलायची। ये मैंने फाइन जो मतलब पाउडर होता है वैसा नहीं किया, थोड़ी सी कुटी हुई ली है ताकि ये जब खाते टाइम मुंह में पड़े तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आए। इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने पूरी अच्छी तरह से फेंट लिया है इसको। मैंने इंडक्शन पे पैन चढ़ा दिया, थोड़ी सी गर्म भी हो गई है। तो ये गर्म हो चुकी है, अब जो बैटर है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और हमेशा ट्राई कीजिएगा कि फ्लेम लो ही रहे। तो ये है मेरा बैटर मिक्सचर जो मैंने रेडी की थी। एक बात ध्यान रखिए, गैस पे चलाने के बाद इसको आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। आप किसी भी तरह इसे चलाना बंद कीजिएगा तो ये नीचे से लगने लगेगा। देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। ऑलमोस्ट 70% बन के तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट 70% बन चुका है। ये थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे नीचे से लग जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। आप कंटिन्यू फिर भी चलाते रहिए इसको। तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी और स्मूथ सा एक टेक्सचर बना है, देख सकते हैं। पूरी तरह से तैयार है ये। तो इसी स्टेज पे मैं इंडक्शन बंद कर दूंगी। मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा हो चुकी है और अब मैं हाथ में थोड़ी सी घी लगाऊंगी। थोड़ी सी घी लगा के मैं इसको अच्छे से ऐसे जैसे आटा या मैदा गूंथते हैं वैसे मैं इसका एक स्मूथ सा डो बनाऊंगी। पहले जो डो है वो रेडी हो चुकी है, एकदम स्मूथ सा बन के देख सकते हैं। अब मैं ये मोड़ लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा घी लगाऊँ। तो मैं इन सारे में अच्छे से थोड़ा सा घी लगा लिया। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, क्लोज करके इसके पीछे जो ये वाला हिस्सा है आपको ऐसे अच्छे से भर भर के अंदर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइट पकड़ना है इसको, मोल्ड को टाइट पकड़ना है, उसके बाद अच्छे से अंदर पूरा पोर करना है ऐसे। और कुछ देर के लिए ऐसे इसको प्रेस करके रखना है ताकि अच्छे से अंदर सेट हो जाए। तो ये हमारा मोल्ड में सेट हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी हल्के से ऐसे और ऐसे।
देख सकते हैं कितना अच्छा सा शेप आया है इसका। तो यहाँ पे मेरा मावा कम हो गया है, तो मैं ये पूरी तरह से भर नहीं पाई हूँ, थोड़ा सा कम भरा है, पर शेप थोड़ा बहुत भी आया है अच्छा सा। तो मैं इसको निकाल के रख दूँगी। मैंने 100 ग्राम मिल्क लिया था, उसमें मुझे 5 इतने बड़े बड़े साइज़ के मोदक बने हैं, और मैं अब इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी, थोड़ा सा। तो मैं गार्निश करने के लिए थोड़ा सा काजू लूँगी, जो काजू एक भी नहीं बैठ रहा है। ओ माय गॉड, तो काजू तो मेरा फेल हो गया है, इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़े से ये केसर के धागे ले लेती हूँ, इससे अच्छे से गार्निश हो जाएगी। देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा और कितना ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है और बहुत ही इजी वे में बना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।